Hello dear students, today we are going to start a new chapter amines, and in this video we are going to discuss question 1 to 10 of level 1. Let's start. Question 1 हमारे पास दिया गया है, in which of the following reaction cyanide will be obtained as a major product. Cyanide हमारे पास क्या होता है, CN functional group वहाँ पर होना चाहिए. तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ketone दिया हुआ है, lithium aluminum hydride reagents पे reduction कराना है. तो यहाँ पर alcohol में convert हो जाएगा ही, तो alcohol में किस तरह से convert होगा, pH यहाँ पे CHOHCH3, ठीक है. आफ्टर रिडक्शन हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा. यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है प्राइमरी एमाइड, ठीक है. प्राइमरी एमाइड की रिएक्शन किसके साथ है, NaOH प्लस Br2 के साथ में. तो कौन सी रिएक्शन है ये, हमारे पास है हाफ मैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन. तो हाफ मैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन कौन से शो करते हैं, ओनली प्राइमरी एमाइड शो करते हैं. और क्या बनाते हैं, यहाँ पे CONH2 रिप्लेस हो जाता है NH2 से, यानी प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन होता है और एनिलीन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट अपने पास है सी ऑप्शन. यहाँ पर अपने पास एमाइड दिया हुआ है P4O10. P4O10 अपने पास क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है. डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, दैट मीन्स वाटर का रिमूवल करेगा, तो यहाँ पे वाटर रिमूव हो जाता है और क्या बनता है, C(NN) लग जाता है और ये साइनाइड बनता है, ठीक है. इसको अपन क्या बोलते हैं, बेंजो नाइट्राइली बोल सकते हैं. डी ऑप्शन को चेक करें तो डी ऑप्शन में हमारे पास सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, COOH कन्वर्ट हो जाएगा COCl में, यानी ऐसे क्लोराइड में C डबल बॉन्ड CL यहाँ पर कन्वर्ट हो गया. देन इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ में कराएंगे, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन SN2TH रिएक्शन होगी, CL लीव कर जाएगा, तो हमारे पास फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एक एमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो ऑप्शन डी भी यहाँ पर नहीं होगा. तो यहाँ पर अपने पास साइनाइड किस में प्रोडक्ट मिल रहा है, ओनली सी में, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी. नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर एक प्राइमरी एमाइन दिया हुआ है. एमाइन की डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं कि कितने कार्बन से वो जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे प्राइमरी एमाइन है, ये नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन कर रहा है. तो कभी भी कोई भी प्राइमरी एमाइन, लेट से RNS2, वो नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो हमारे पास क्या बनता है, इनिशियली कार्बोकेटाइन R+ बनता है, जिस पर आप H2O का अटैक कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है. अब ये होती कैसे मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म आप देखना चाहें तो मैकेनिज्म देख लेते हैं इसकी, कि जो नाइट्रस एसिड है वो अपने पास बनता है NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl के कम्बिनेशन से, ठीक है. अब नाइट्रस एसिड हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, हमारे पास H+ से H+ S मिल जाएगा यहाँ पर, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करके क्या बना लेगा, OH2+ N डबल बॉन्ड O. अब यहाँ पे ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे और वाटर रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ठीक है, नाइट्रोसोनियम आयन. अब ये नाइट्रोसोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा ये मॉलिक्यूल इस तरह से, RNH2 नाइट्रोसोनियम आयन पे अटैक करेंगे, तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो अटैक यहाँ पे हो जाएगा, तो बन क्या जाएगा, RNH पॉजिटिव और यहाँ पर N डबल बॉन्ड O. नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज को हटाना है तो H+ निकल जाएगा यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा RNHN डबल बॉन्ड O. अब इसमें आप टोटोमेरिज्म करा देंगे, ठीक है, टोटोमेरिज्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, अपने पास मॉलिक्यूल यहाँ पर RN डबल बॉन्ड NOH. अब ये जो OH है ये फिर एसिडिक एसिड ले लेगा, जो HCl से अपने पास अवेलेबल है, यहाँ पर OH2+ बन गया, तो क्या बन जाएगा, RN डबल बॉन्ड NOH2+. अब यहाँ से वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा, वाटर के फॉर्म में निकल गया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RN डबल बॉन्ड N यहाँ पर पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पर डोनेट करेगा और क्या बन जाएगा, RN ट्रिपल बॉन्ड N. यहाँ पर डोनेशन किया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से खत्म होकर कहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है. अब जो नाइट्रोजन है वो काफ़ी अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए यह यहाँ से लीव कर जाएगा N(NN) N2 के फॉर्म में और बन क्या जाएगा, कार्बोकेटाइन. इस कार्बोकेटाइन पर अपन H2O का अटैक कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ROH2+ ऑक्सीजन. अब हमारे पास यहाँ पर H+ उठा देंगे तो हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, एक एल्कोहल, ठीक है. तो इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए यहाँ पर अपन ना जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कि सबसे पहले कार्बोकेटाइन बन जाएगा, उस कार्बोकेटाइन पे OH ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, यानी R, ये हमारे पास R की एनालॉगस है, ठीक है. यहाँ पे R है तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन NH2 से जुड़ा हुआ है, तो हमारा प्रोडक्ट A हो जाएगा यहाँ पर. नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई डी
एमिनेशन ऑफ एन ब्यूटाइल एन एच टू विद एन एन ओ टू विद एच सी एल. तो जैसे अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है, नॉर्मल ब्यूटाइल यहाँ पे दिया हुआ है. नॉर्मल ब्यूटाइल हमारे पास क्या होगा, ये वाला एन एच टू. इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, एन ई एन ओ टू विद एच सी एल. तो अपन ने एन एन ओ टू विद एच सी एल के साथ भी क्या बनता है, नाइट्रस एसिड. ठीक है, और अभी प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने पूरी मैकेनिज्म समझी है कि नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो अपने पास क्या बनता है, कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो कार्बोकटाइन यहाँ पर भी अपन बना देते, तो कार्बोकटाइन यहाँ पर कौन सा बनेगा, पहले कार्बोकटाइन पहले ये बन जाएगा जो कि प्राइमरी कार्बोकटाइन है. फिर यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट होगा. ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो हमारे पास ये कार्बोकटाइन किसे बन जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी कार्बोकटाइन में. अब इन दोनों कार्बोकटाइन से कोरस्पॉन्डिंग अपने को एल्कीन्स बनाने, क्योंकि यहाँ पर एल्कीन पूछा गया. तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग यदि अपन एल्कीन बनाएंगे हीट करने पे, तो हमारे पास में कौन सा एल्कीन बनेगा, यहाँ पर अपने पास ये वाला एल्कीन बनेगा. इसके कोरस्पॉन्डिंग एल्कीन बनाएंगे तो हमारे पास कौन सा एल्कीन बनेगा, ये वाला एल्कीन बनेगा. ठीक, तो ये हमारा वन ब्यूटेन है. ये हमारे पास ब्यूट टू इन है. ब्यूट टू इन में हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा होगा, सी एस थ्री एच एच और यहाँ पर सी एस थ्री. दैट मीन्स ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि दोनों कार्बन तो इंडिविजुअली दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए, तो यहाँ पर सिस और ट्रांस दोनों आइसोमर मिलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास वन ब्यूटीन भी बन रहा है, सिस टू ब्यूटीन भी बन रहा है और ट्रांस टू ब्यूटीन भी बन रहा है, बस आइसो ब्यूटीन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. तो आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शन. तो यहाँ पर भी नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन है, वो भी प्राइमरी एमाइन. प्राइमरी एमाइन ही केवल रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एन टू प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहाँ से रिमूव होकर कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होगा. जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में अपन ने देखा है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली कार्बोकटाइन बना दीजिए. यहाँ पर कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन हो गया और ये एमी एमी एमी. ठीक है, अब ये कैसा रिएक्शन है, ये सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन टाइप से रिएक्शन है. यहाँ पर एक हाइड्राइड हाइड्रोजन भी है, ये यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे. ठीक है, या इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि एक स्टेप आप क्या करें, हाइड्राइड शिफ्ट कर दें. हाइड्राइड शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास कार्बोकटाइन OH के पास वाले कार्बन पे आ जाएगा, यानी हमारे पास कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल हो जाएगा OH, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर तीन मिथाइल ग्रुप. अब ये ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डोनेट कर देगा, क्योंकि सी डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है. तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए H को रिमूव कर देंगे और यहाँ पर तीन मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा P, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर जो गया वो गया ए. नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ. फिफ्थ में भी हमारे पास यहाँ पर प्राइमरी एमाइन दिया हुआ है, पर ये एरोमेटिक एमाइन है. एन एन ओ टू विद एच टू एस ओ फोर से भी अपने को नाइट्रस एसिड ही मिलेगा. तो जब भी अपने पास में एनिलीन की एच एन ओ टू के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, बी डी सी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, एन टू प्लस सी एल माइनस, जो कि स्टेबल होता है एट 0 to 5 degree centigrade. बट यदि वहाँ पर कोई भी ऐसा न्यूक्लियोफाइल या कुछ भी ऐड है जिस पे ये अटैच हो सकता है, तो वहाँ पर ये डिस्ट्रॉय भी हो जाता है इजीली. तो अनस्टेबल भी होता है बट स्टेबल कुछ लोअर टेम्परेचर भी रहता है. तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा, यहाँ पर अपने पास मॉलिक्यूल ये इस तरह से मिल जाएगा. हमारे पास यहाँ पर एन ट्रिपल बॉन्ड एन पॉजिटिव. ठीक, तो यहाँ पर बेंजीन रिंग है, इसी के साथ अपने पास क्या होगा, इसी के साथ अपने पास यहाँ पर ये बेंजीन रिंग. ठीक है, इसमें हमारे पास ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह. तो यहाँ पर आप फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराएंगे, ये अटैक करेंगे न्यूक्लियोफाइल की तरह और ये N2 लीव कर जाएगा. यहाँ पर N2 लीव कर जाएगा तो हमारे पास रिएक्शन कौन सी होगी, ये होगी फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन. ठीक है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन. तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के बेसिस पे हमारे पास बाद जो प्रोडक्ट बन जाएगा फाइनली N2 के रिमूवल के बाद में, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये है, यहाँ पर इससे डायरेक्टली कौन सा कार्बन जुड़ जाएगा, ये वाला कार्बन जुड़ जाएगा और यहाँ पर बेंजीन रिंग वापस बन जाएगी. तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है. तो आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा बी. ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन में भी हमारे पास वही हो रहा है कि प्राइमरी एमाइन की नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन हो रही है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाइट्रस एसिड के साथ में इसकी रिएक्शन कराने पर कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होगा, वो कार्बोकटाइन होगा ये वाला. अब इस कार्बोकटाइन में देखिए पॉसिबिलिटी क्या है, ये हमारा साइक्लिक सीपीएम साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटाइन है, जो कि मोस्ट स्टेबल है.
क्योंकि इसमें डांसिंग रेजोनेंस होता है, तो डांसिंग रेजोनेंस होता है तो किस तरह से होता है, ये इधर जाएगा, तो बॉन्ड रेजोनेंस यदि देखें अपन यहाँ पर, तो इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी। दूसरा रेजोनेंस अपन क्या कर सकते हैं, रिंग एक्सपेंशन करा सकते हैं। रिंग एक्सपेंशन करा देंगे तो अपने पास में क्या बन जाएगा, ये फोर मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, यानी ये अटैच हो जाएगा यहाँ से और कार्बोकोटाइन यहाँ पर आ जाएगा, यानी कार्बोकोटाइन यहाँ पर आ गया। अब इन तीनों के और कार्बोकोटाइन यहाँ पर, तो इन तीनों इंटरमीडिएट के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर प्रोडक्ट बनेंगे, बट जो मेजर होगा वो इसके कोरस्पॉन्डिंग बनेगा। इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट किसके इसके कोरस्पॉन्डिंग अपन देखें तो क्या बनेगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग बनेंगे तो CH2OH, यानी इस पर जो कार्बोकोटाइन है उस पर H2O का अटैक होगा, यहाँ पर CH2OH बन जाएगा। इसके कोरस्पॉन्डिंग अपन ने बनाया इंटरमीडिएट के, तो यहाँ पर ये वाला OH बन जाएगा। इसके कोरस्पॉन्डिंग अपन बनाते हैं तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक। इसमें हमारे पास ये वाला मेजर होगा। तो हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से दिए हुए हैं, यहाँ पर 47% ये दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, तो इस ये वाला पूछा गया है, ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकोटाइन से। तो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मेनली यहाँ पर कार्बोकोटाइन जो बनता था उसमें तीनों पॉसिबल जो रीअरेंजमेंट के बाद में इंटरमीडिएट बनते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग अपने यहाँ पर प्रोडक्ट बना देते, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला ही होता है कार्बोकोटाइन। रीअरेंजमेंट होने के बाद में भी हमारे पास यहाँ पर फोर मेंबर रिंग तो बन गई है, बट यहाँ पर एंगल स्ट्रेन बढ़ गया, मोर एंगल स्ट्रेन, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पर थ्री मेंबर रिंग है फिर भी ये इससे ज़्यादा स्टेबल है फोर मेंबर से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होने की वजह से, और यहाँ पर सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज ही है, ठीक है। तो इस तरह आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सेवन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स ऑफ C8H9NO इज द वीकेस्ट बेस। वीकेस्ट बेस हमें पता करना है, तो यहाँ पर अपने पास देखिए एसिटोफिनोन क्या होता है, अपने पास में PHC(CH3), ये हमारा होता है एसिटोफिनोन, ठीक है। एसिटोफिनोन होता है तो हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से होगा बेंजीनिंग, उससे हमारे पास C(CH3) ऑर्थो एमिनो, ऑर्थो पे एमिनो ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है, फिर ऑर्थो से मेटा पे जोड़ते हैं, यहाँ पर ये मेटा पे जोड़ देंगे, फिर पैरा पे जोड़ देंगे, यहाँ पर पैरा पे जोड़ देंगे। इसके बाद है एसिटोनिलाइड। एसिटोनिलाइड क्या होता है अपने पास में, एसिटोनिलाइड होता है अपने पास CH3C(NH)PH बेंजीनिंग के साथ में, तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा एमाइड है और यहाँ पर एनिलीन है, तो एनिलीन में और एमाइड में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन से होते हैं, एनिलीन होते हैं और फिर एमाइड, सबसे वीकेस्ट बेस अपने को होगा तो वो ये होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है और यहाँ पर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो लेस पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक, और इसकी PKB वैल्यू जो होगी वो भी क्या होती है अपने पास सबसे कम होती है, सबसे कम या सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए हमारे पास ये वीकेस्ट बेस होता है एमाइड्स, ठीक है। यदि आप इनमें कंपैरिजन करना चाहें कि हमारे पास इनमें से एनिलीन कौन सा ज़्यादा होगा, तो अपने पास में ये जो अपने पास ये क्या है -I ग्रुप है, यहाँ पर मेटा पे और यहाँ पर पैरा पे, ठीक है, यहाँ पे -MB है और -I भी है, तो अपने पास जो बेसिक स्ट्रेंथ होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं -I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं -I के और -M ग्रुप के, कि -I और -M ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे उतनी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, और ऑर्थो इफेक्ट भी यहाँ पर एप्लीकेबल है, इसलिए हमारे पास सबसे जो कम बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो किसकी होगी, इसकी होगी, ये हमारा डी है अपना CBA। तो हमारे पास जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक जो होगा वो होगा ये वाला ग्रुप, यहाँ पर ओनली -I एप्लीकेबल है बी, फिर इसके बाद कौन सा होगा सी, फिर हो जाएगा ए, ठीक है, इसके बाद अपने पास सबसे लीस्ट हो जाएगा डी, तो अपने को डी सबसे लीस्ट पूछा गया था तो डी आंसर हो जाएगा, एमाइड सबसे लीस्ट बेसिक होते हैं। नेक्स्ट है रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ अपने को पता करनी है, तो यहाँ पर अपने पास एमाइड दिया हुआ था, एमाइड सबसे लीस्ट बेसिक होते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास देखें तो ये प्राइमरी एमाइन है, एलिफेटिक एमाइन है, इसको आप लिखना चाहें तो क्या है ये PHCH2NH2,
ये एरोमेटिक एमाइन नहीं, क्योंकि यहाँ पर एन एच टू ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पर ये एनिलीन है और यहाँ पर ये एनओ टू ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से अपने पास जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो इसकी कम होगी, और इसके अलावा यहाँ पर देखें तो इसका माइनस एम और माइनस आई भी एप्लीकेबल है, जो बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है। तो यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वो सबसे कम, सबसे ज़्यादा जो होगा प्राइमरी एमाइंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। टू, इसके बाद अपने पास वन और थ्री में से डिसाइड करना है किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, वन की ज़्यादा होगी थ्री से। क्यों? क्योंकि थ्री में हमारे पास यहाँ पर ग्रुप भी जुड़ा हुआ माइनस एम माइनस आई, बट यहाँ पर यदि प्लस एम भी ग्रुप जुड़ा हुआ होता, यानी हमारे पास में एनिलीन पर यहाँ पर कोई सा भी ग्रुप जुड़ा होता, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, हमेशा इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम ही होगी, किससे, एनिलीन से। ऐसा क्यों? ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। अब ऑर्थो इफेक्ट में होता क्या है कि हमारे पास में जैसे ही आप इसका क्या करेंगे, प्रोटोनेशन कराते हैं, तो प्रोटोनेशन कराएंगे तो NH3 प्लस बन जाएगा, यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये NH3 प्लस बन गया। अब NH3 प्लस बनने के बाद में इसका जो सॉल्वेशन है H2O मॉलिक्यूल्स को आप पास पास लेके आएंगे, उसकी सॉल्वेशन स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, प्रोवाइड्स स्टेरिक हिंड्रेंस टू H2O, स्टेरिक हिंड्रेंस टू H2O मॉलिक्यूल्स, H2 मॉलिक्यूल्स को स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करा रहा है, इसलिए हमारे पास इसकी क्या हो रही है, सॉल्वेशन स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो सॉल्वेशन स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है यहाँ पर, तो ये लॉजिक अपन को यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो गया, वन ज़्यादा बेसिक हो गया थ्री से, और सबसे लीस्ट जो होता है वो अपने पास क्या होगा, फोर्थ एमाइड होता है, क्योंकि एमाइड का जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पर रेजोनेंस में जा रहा है, और नेगेटिव किस पे जा रहा है, ऑक्सीजन पे, जो कि यहाँ पर नाइट्रोजन का रेजोनेंस में जाकर किस पे जा रहा है, कार्बन पे, तो ज़्यादा रेजोनेंस से पार्टिसिपेशन यहाँ पर नहीं होगा कंपेयर्ड टू एमाइड के, ठीक है। और एमाइड की यदि अपन के बी वैल्यू भी देखते हैं तो के बी वैल्यू यहाँ पर इसकी लेस होती है कंपेयर टू एनिलीन, तो एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पे भी अपन इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो के बी का ऑर्डर है, यानी बेसिक ऑर्डर जो दिया गया है, वो 2, 1, 3, 4 है, जो कि कहाँ पे दिया हुआ है, 2, 1, 3, 4 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एराइल हैमाइंस विल नॉट फॉर्म ए डाइएजोनियम सॉल्ट ऑन रिएक्शन विद सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम नाइट्राइट है NaNO2 प्लस HCl, तो अपने पास NaNO2 विद HCl के साथ में रिएक्शन करके केवल प्राइमरी एमाइन, कि हमारे पास में कोई एरल एमाइन, मतलब हमारे पास PHNH2 है, वो हमारे पास किसके साथ रिएक्शन करेगा, NaNO2 प्लस HCl के साथ में रिएक्शन करेगा, तो हमारे पास PHN2 प्लस बनेगा, कि ओनली प्राइमरी एमाइन ये होना चाहिए। यदि ये सेकेंडरी एमाइन या टर्शियरी एमाइन हुआ तो रिएक्शन नहीं होगी। तो अपन ऑप्शंस में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन हमारे पास है मेटा इथाइल एनिलीन, मेटा इथाइल एनिलीन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एनिलीन NH2 है और मेटा पोजिशन पे इथाइल ग्रुप है, तो ये प्राइमरी एमाइन ये रिएक्शन दे सकता है। बी ऑप्शन में देखें तो पैरा एमिनो एसिटोफिनोन, तो हमारे पास पैरा एमिनो एसिटोफिनोन के पास सी डबल बॉन्डो CH3, ठीक है, और यहाँ पर एमिनो, यहाँ पर भी प्राइमरी एमाइन है। सी ऑप्शन में देखें तो 4-chloro-2-nitro-aniline अपने पास एनिलीन देख लें, तो एनिलीन अपने पास है NH2 4-chloro-2-nitro, तो ये भी प्राइमरी एमाइन है। डी ऑप्शन में देखें तो N-ethyl-2-methyl-aniline है, एन इथाइल से क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको, कि एनिलीन के जो नाइट्रोजन है उससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर NH, ET और यहाँ पर मिथाइल, तो इसके NaNO2 विद HCl के साथ में यदि रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, सॉरी यहाँ पर नाइट्रस एसिड बनेगा ही, नाइट्रस एसिड के साथ में यहाँ पर जो बनता है वो पैरा नाइट्रोसो एनिलीन, पैरा नाइट्रोसो का पाउडर बनेगा एन येल्लो ऑयली लिक्विड, ना कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। डाइएजोनियम सॉल्ट का नहीं मिलता, नाइट्रोसो कंपाउंड फॉर्म होता है, येल्लो ऑयली लिक्विड मिलता है, ठीक है, और टर्शियरी एमाइन के साथ में कोई रिएक्शन नहीं होती। बट इन सब के केस में क्या होगा, इन सब के केस में हमारे पास यहाँ पर प्राइमरी एमाइन से दिया हुआ है, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस में, यहाँ पर भी प्राइमरी एमाइन है, तो ये भी N2 प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी N2 प्लस
HCl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा बाय रिएक्शन विद NaNO2 विद HCl। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जिसकी आप NaNO2 विद HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास में डाइअजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट डी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सिक्वेंस। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए अल्कोहल दिया हुआ है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हुआ है K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। तो हमारे पास ये जो अल्कोहल है प्राइमरी अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, कि हमारे पास ये CH2OH कन्वर्ट हो जाएगा COOH, जिसके आप SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा COCl में। COCl की एमाइन के दो मोल के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास जो रिएक्शन होगी वो अपने को यहाँ पर चेक करनी है। तो हमारे पास किस तरह से रिएक्शन होगी कि हमारे पास यदि लेट्स से इस पूरे मॉलिक्यूल को आप एज्यूम कर लीजिए यहाँ पर R, जिसे अपन को बार बार लिखना ना पड़े, तो यहाँ पे R COOH मिल जाएगा, यहाँ पे R COCl बन जाएगा। अब हमारे पास जो R COCl है उस पर अटैक कर रहा है ये NH CH3 CH3, तो यहाँ पे एमाइड का फॉर्मेशन होगा, नाइट्रोजन का ये अटैक हो गया यहाँ पर, ये बॉन्ड जाएगा फिर रिवर्स होगा और यहाँ पर बन जाएगा। तो बन क्या जाएगा मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल बन जाएगा R C डबल बॉन्ड NCH3 CH3, ठीक है। तो ये एमाइड का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर Cl माइनस निकल रहा है और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए H+ रिमूव कर रहे हैं, तो HCl रिमूव हो जाएगा, ये एमाइड बन गया। अब एमाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस पे रिडक्शन कराएंगे, तो कभी भी एमाइड का रिडक्शन आप कराएं RO(CONH2) का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो हमारे पास क्या मिलता है RCH2NH2, ये एमाइन का फॉर्मेशन होता है। तो सिमिलर यहाँ पर होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराने पे, यहाँ पे बन जाएगा RCH2NCH3CH3, यहाँ पर H लग जाएगा जो कि अपना फाइनल प्रोडक्ट है। अब एल्काइल का अपन ने एज्यूम किया था कि R ये वाला ग्रुप है, तो इसको आप यदि ब्रॉडर टर्म में लिख दें तो हमारे पास क्या मॉलिक्यूल है, हमारे पास CH3CCH3CH3, ठीक है CH2, ये हमारा एल्काइल है, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है CH2NH CH3 का होल ट्वाइस, ये हमारा प्रोडक्ट डी है जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है वो देखिए। तो ये ऑप्शन अपने पास में देखिए CH3 CCH3 CH3, यहाँ पे जो है CH2 CH2 दो कार्बन NCH3 का होल ट्वाइस, H नहीं होगा क्योंकि टर्शियरी एमाइन है, ठीक है ऑलरेडी। तो ऑप्शन बी इससे मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होपफुली दिस वीडियो सॉल्यूशन सीरीज हेल्प्ड यू आउट टू क्लियर योर डाउट्स। Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.